सबसे पहले परिचय दें अपना और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इस कार्यक्रम में, भव्य कार्यक्रम में आपने शिरकत किया, कितनी खुशी हो रही है इस प्रकार का जब कार्यक्रम होता है, और इंटायर टीम को क्या कुछ कहना चाहेंगे, सनी शाह हो गए, रमा जी हो गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन सबके लिए? मेरा नाम सगारिका है और रामा जी जी जो यहाँ पे हैं, रामा जी इज़ द डायरेक्टर ऑफ माई फिल्म जो हमारी फिल्म आने वाली है, काफ़ी की प्रोजेक्ट इसका नाम है। फिल्म ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, हमारा सॉन्ग एक लास्ट शूट है जो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिल्म इज़ ऑन द रिलीज। तो बस उन्होंने मुझे इन्वाइट किया तो मैं यहाँ पे आई हूँ। आई एम फीलिंग बताइए ना, कैसा फील कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। वैसे उन्होंने हमेशा मुझे इनवाइट किया है, बट मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, सो अच्छा लग रहा है मुझे। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड ऑल द बेस्ट टू सनी जी ऑल्सो एंड रामा सर ऑल्सो। रमा सर की एक फिल्म भी आ रही है, उसमें आप काम भी कर रहे हैं, किस प्रकार का किरदार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस फिल्म को लेके और अपने किरदार को लेके, कितने एक्साइटेड हैं? हमारी फिल्म आ रही है, रामा जी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, इज़ अ राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म, एंड आई एम डूइंग दैट फिल्म लीड। दैट सोनिया नाम का कैरेक्टर है उस लड़की का, एंड दैट्स अ वुमेन ओरिएंटेड फिल्म। एक लड़की की स्टोरी है जिसकी लाइफ की जर्नी दिखाई है स्टार्टिंग टू एंड, एंड दैट्स आई थिंक दैट्स अ ट्रू स्टोरी। आसाम में एक बाढ़ आई थी, वहाँ पर एक लड़की की स्टोरी है, सो दैट इज़ अ स्टोरी। सो आप लोगों को पता चलेगा जब वो आएगी फिल्म, बिकॉज मैं सब बता दूँगी तो कैसे पता चलेगा फिर आपको? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस फिल्म को लेकर, बिकॉज उसमें मेरे बहुत सारी वेरिएशन है। मेरी लास्ट ईयर फिल्म रिलीज हुई थी लव यू फैमिली, एंड उससे पहले मैंने डेब्यू किया था साउथ से, तो सीरियस भी किए, बट इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें वुमन ओरिएंटेड फिल्म है यार, मतलब मेरी ऊपर पूरी स्टोरी है एंड मेरे को बहुत शेड्स करने को मिले उस फिल्म में, सो आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड फॉर दैट फिल्म। थैंक यू सो मच।